सरकार में ये शामिल थे, तो अब जनता उनसे पूछेगी कि आप जब सत्ता में थे, सरकार में थे, हमने आपको चुना, तो आपके ऐसी कौन सी वजह रही कि आज हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इस तरह का हिंदू फरोख्त का जो काम हुआ, सरकारी तौर पे 1500 रुपये देने की जो घोषणा की है, क्या ये गलत है? आप इसका विरोध करते हैं? मेरे जयराम जी से मेरी ये प्रार्थना है कि आप बताएं कि क्या आप इस योजना का, जो लोगों को, माताओं को, बहनों को बहुत बड़ा एक लाभ मिलने वाला है, क्या आप इसका विरोध करते हैं? 6 लोगों ने कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के दौरान जो अपना मत भाजपा के कैंडिडेट को दिया, उसके वजह से जो परिस्थितियां बनी, और बजट था, सेशन चल रहा था, बजट के दौरान उन्होंने विप का जो उल्लंघन किया, और आप समझें कि एंटी डिफेक्शन लॉ में वो आ गया, और स्पीकर साहब ने कार्रवाई करते हुए उनको 6 लोगों को जो है अपनी पार्टी के खिलाफ और अपनी सरकार के खिलाफ जाने के लिए और विप का उल्लंघन करने के लिए उनकी सदस्यता रद्द कर दी, और उन्होंने उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया। पिछली 12 तारीख को वो केस लगा था, लेकिन अब 18 तारीख है। अब इन बिटवीन इलेक्शन कमीशन ने अपना प्रोसेस जारी किया। उसका एक रूल है कि जैसे ये लोग, 6 लोग निष्कासित किए गए, इनकी सदस्यता ख़त्म की गई, माननीय स्पीकर साहब ने और विधानसभा ने ये इंटीमेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी कि हमारे हिमाचल में 6 सीटें खाली हैं, और उस प्रोसेस में ये ऑटोमेटिकली जो प्रोसेस था चुनाव के लिए, इनकी घोषणा हो गई। अब सवाल उठता है कि ये ऐसी परिस्थितियाँ क्यों हैं? ये आप लोग भी जानते हैं और प्रदेश की जनता भी जानती है कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग, 14 महीने पहले हमारी सरकार को लोगों का आदेश मिला था, इन लोगों की क्या महत्वाकांक्षा थी जो इन्होंने अपनी पार्टी को, अपने सरकार को, या अपने इलाके के लोगों को जिनने चुन के भेजा था, उनको क्यों धोखा दिया, क्यों ऐसी परिस्थितियां बनी, इसका जवाब इनको देना पड़ेगा, प्रदेश की जनता को बताना पड़ेगा कि क्या ऐसे कारण है। दूसरा सवाल था कि भाजपा का एक मॉडल है कि विपक्ष की सरकारों को कमज़ोर करना देश के अंदर, या उन सरकारों को गिराना, वो एक अटैम्प्ट हिमाचल प्रदेश में भी हुआ, लेकिन ये अलग बात है कि वो सक्सेस नहीं हुआ। हमारी सरकार बहुमत में थी, हमने बहुमत ने विधानसभा में बजट पास किया और अपना बहुमत साबित किया, तो इस सरकार के पास आज भी बहुमत है, और उस हिसाब से ये पूरे 5 साल ये सरकार चलेगी जो लोगों द्वारा चुनी गई। अब सवाल उठता है कि 6 लोगों के बाई इलेक्शंस ये होने हैं, अभी तक जो इलेक्शन कमीशन का आदेश है उसके हिसाब से ये बाई इलेक्शन होने हैं, और कांग्रेस पार्टी इनके लिए पूरी तरह से तैयार है कि हमको दोबारा से लोगों के बीच जाना पड़ेगा। हम बताएंगे लोगों को कि आपने अगर 14 महीने पहले इन लोगों को चुन के भेजा था कांग्रेस पार्टी के चुनाव निशान पे, और सरकार में ये शामिल थे, तो अब जनता उनसे पूछेगी कि आप जब सत्ता में थे, सरकार में थे, हमने आपको चुना, तो आपके ऐसी कौन सी वजह रही कि आज हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इस तरह का खरीदो फरोख्त का जो काम हुआ, सरकारें गिराने का काम हुआ, या इतने बड़े पैमाने पे जो है बाई इलेक्शन आए, इसकी जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी जिन लोगों ने जो किया होगा, और ये प्रदेश की जनता को जवाब भी देना पड़ेगा। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, विपक्ष के नेता से भी पूछना चाहता हूँ कि क्या आप OPS बहाल करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य नहीं बना? क्या आप OPS का विरोध करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि OPS लागू नहीं हुआ, या आप ये कह सकते हैं कि हमने सरकारी तौर पे 1500 रुपये देने की जो घोषणा की है, क्या ये गलत है? आप इसका विरोध करते हैं? मेरे जयराम जी से मेरी ये प्रार्थना है कि आप बताएं कि क्या आप इस योजना का, जो लोगों को, माताओं को, बहनों को बहुत बड़ा एक लाभ मिलने वाला है, क्या आप इसका विरोध करते हैं? तो आप बताएं कि आप इस योजना के खिलाफ हैं। हमने तो कर दिया है, पहले 14 महीने में 5 गारंटीज को पूरा किया है, जहाँ लोग बनाते हैं, सरकार लोग गिराते हैं, आप कौन हैं? आप 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, आपने पूरी ताकत लगाई चुनाव में, आपको नकारा गया, आपकी पार्टी को नकारा गया, तो आपको वो सम्मान करना चाहिए, लोकतंत्र का, लोगों का जो मैंडेट है उसका सम्मान करना चाहिए। आप इसको उपलब्धि मानते हो कि चुनी हुई सरकारों को गिराना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है? एजेंसियों के दम पे, धन बल के दम पे चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम, अगर आप इसको अपनी उपलब्धि मानते तो चुनाव कराने क्यों?
चुनाव कराने का मतलब क्या रह जाएगा लोकतंत्र, लोगों के मत का क्या मतलब रह जाएगा। आप इसका सम्मान करना चाहिए। अभी भी हम मेजॉरिटी में हैं, आगे भी हम मेजॉरिटी में रहेंगे और 5 साल लोगों के आशीर्वाद के, प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से सरकार पूरा कार्यक्रम अपना पूरा करेगी।